अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आगे दिखाना, तुझे नहीं बोल रहा। ये अच्छा, ये कॉइल ओवर्स नहीं है? नहीं। नाइस। ये जी E46। आज यार हम E46 चेक करने निकले हैं। तू जी यार डला हुआ है इसमें। ये रजी भाई की है। जरा रजी भाई का दर्शन कराए इनको। और क्या इसके आउटपुट क्या फिगर्स हैं? तो फैक्ट्री से तो ये इंजन 290 प्लस निकालता है, लेकिन क्योंकि स्वैप हुआ है ड्राइव ट्रेन BMW का है, और इंजन भी ज़ाहिर है काबली है, तो यानी यूज्ड है, तो आइट से अबाउट इंजन 250 पर होगा क्रैंक पे, और व्हील्स तक 190 पहुंचता होगा, क्योंकि डायनो नहीं किया हमने, तो ये सारी थ्योरी है, तो मैं गलत भी हो सकता हूँ। जेनियन रिएक्शन। ये देखें जी, मैनुअल डी पे हम 20 के रोल से चेक करने वाले हैं। डी पे अभी अच्छा, ये सीक्वेंशियल पे नहीं कर रहे, ये बड़े प्रोफेशनल डी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन उनको पता है कि डी है यहाँ पे। चले अभी चेक करते हैं। अच्छा था भाई, अच्छा मैं आज तक इतनी तेज गाड़ी में नहीं बैठा। सबसे तेज गाड़ी जो आज तक मैंने चलाई है मेरी अब्बा की सिविक है 2005 1.5, ये अच्छी थी। हाँ ये अभी हम गए हैं ऑलमोस्ट 175 तक। अच्छा, तो 180 पे इसका लिमिटर है ना जी, तो 180 से ऊपर नहीं जाती है गाड़ी, क्योंकि 2GR टोयोटा का इंजन है V6 3500 cc। तो जैसे ही लाहौर वाली डेट को माने कि हम लाहौर चले जाएंगे। देखे आप, मैं एक चीज आऊं ताकि पैसे बचे। ये मजाक कर रहे हैं। आराम रिलेशन से नो टू आराम रिलेशन। बिल्कुल भी नहीं भाई। अच्छा, लिमिटर नहीं हटाना क्योंकि जैपनीज इंजन है ना। अब जैपनीज से आगे तो नहीं सोच सकते ना। क्यों जी, जैपनीज ने कुछ सोच समझ के 180 तक लिमिट लगाई होगी, शायद 180 तेज हो 190 से। What the fuck? वो जैपनीज जो है ना, वो यानी जैसे कि आपको पता है एशियंस जो जैपनीज साइड के हैं उनका छोटा होता है, उनके बॉल्स भी थोड़े छोटे होते हैं, तो इसलिए 180 पे लिमिटर लगा हुआ है, इसलिए उन्होंने 2JZ बनाया। मैं ये नहीं, पाकिस्तान पठान बंदा हूँ, 5-6-7JZ पे होते हैं वैसे। ठीक है जी, हम वापस उसी जगह पे आ गए। ये हमने 6 मिनट में कोई 12 किलोमीटर ट्रेवल किया। अच्छा तो ये भाईजान, ये ऐसी दिखती है बाहर से, ये ब्लैक कलर में। Oh, really? I didn't know that. ये हमारे हैं तैमूर भाई, ठीक है। तो ये बहुत ही यानी जिम फ्रीक हैं, और बिल्कुल भी इनका पेट नहीं निकला, ये इनकी डेली है। बाकी फिर आपको हम इनकी गाड़ियाँ अपनी बता के दिखाएंगे। तो ये जो आप रिफ्लेक्शन में देख रहे हैं ना, ये है फेक टैक्सी। ये डॉक्टर जॉनी सिंस, ये डॉक्टर हैं इधर पॉली क्लिनिक में, ये वॉलंटरीली काम करने आए हुए हैं इंग्लैंड से। ये चैरिटेबल वर्क करते हैं, तो मैं भी उनसे होके आई हूँ। ये देखे, मैंने उनको खून दिया, तो
ये और ये इस तरफ, ये डीजल नहीं है। तो सीन ऐसा है कि इसके पास BMW है, तो आपको पता चल गया होगा कि अमीर बंदा है, तो इसका ना अक्सर शॉपिंग का दिल करता है और इसको समझ नहीं आती मैं क्या लूँ ना, तो अक्सर इधर उधर घूम रहा होता है कि मैंने लेना है मैंने लेना है। तो अब अभी इसलिए खूज आ रहे हैं ताकि ये कुछ ले सके उधर ना, काफ़ी उधर यानी पठान सामान वगैरह बेचते हैं, तो वही इसने लेना है। इस तरह सेल्फ सोडा सेल्फ वगैरह, इसलिए हम अभी खूज आ रहे हैं। इन्होंने नार्डी का स्टेयरिंग ख़रीदना है, तो वो भी हम देखने जा रहे हैं। मैंने एक देखा था कू में नार्डी का स्टेयरिंग बिकता हुआ, तो अल्लाह करे अभी तक बिक ना गया हो तो इस गरीब को मिल जाएगा। ये हमारे भाई से भी मिलवाएं, ये हमजा भाई, इनको हम HM कहते हैं, फ्रेश शार्प फुल फ्रेश, ये देखने में पुलिस वाले लगते हैं लेकिन ये पुलिस वाले नहीं है, इनको हमने दहशत के लिए रखा हुआ है। हाँ, ये मियां वाली क्या है, ये वो वैगन शैगनों वाला सीन है इनका, मियां वाली जिट्टी। तो किसी को वैगन चाहिए हो या वैगन में बैठना हो थोड़ी देर, तो यानी सब कुछ हो सकता है। वो क्या कहते हैं, ये बॉय आप बेशक स्पोर्ट्स मोड पे करते हैं तैमूर भाई, लाल बत्तियां ऑन हो गई है, बूस्ट ऑफ हो गया है, एसी हमारा मतलब ऑन हो गया, बल्कि तैमूर भाई आराम से जा सा अभी हम मरी रोड के पिंडी के रश में फंसे हैं, तो ये येलो फिल्टर इसलिए आ गया क्योंकि हम पिंडी में, जैसे कि आप वो मूवीज में देखते हैं अमेरिका से जैसे ही मेक्सिको में जाते हैं तो येलो फिल्टर हो जाता है, तो इधर भी वही वाली वाइप है बस। यानी भजन खुल गई है, खुल गया है रास्ता, तो अभी हम ये, मैंने इनको बोला कि रावल रोड से जाते हैं, एक मिनट, हाँ मैंने इनको बोला रावल रोड से जाते हैं, लेकिन इनको पीछे से जाना नहीं पसंद, तो ये आगे से जाने के लिए आए हैं। हम ये आगे से सुल्तान के अंदर आ गए हैं, सुल्तान के कुएं के अंदर। ये हमने गाड़ी लगाई है गली में क्योंकि कुएं में जगह नहीं मिलती, तो ये इधर है डेकोरेशन की शॉप, ये होलसेल में काम करते हैं, तो हमने इधर आना। ये भाई डेकोरेशन के सामान के होलसेल की शॉप है भजन, ये शॉप यहाँ ख़त्म नहीं होती, ये इधर भी स्टिकर्स वगैरह लटक रहे हैं हज़ार किस्म के। आपने अपनी मेहरान भरनी हो ना, जनरल मेहरान उठाओ ये सारे लगा दो, 2 लाख रेट उठ जाता है। हाय, और भी है भाई आगे जाता रहता है, ये आधा कू है इधर, मैं सुल्तान के कू, सॉरी हम ये सुल्तान के कू आ गए ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं ज़रा फरहान भाई के शॉप पे, उनके पास थोड़े वो गियर नॉब होते हैं डिस्क वाले, वो चाहिए इसको भाई रात हो गई है, लुल भी नहीं, कुछ भी नहीं मिला, तो वापस जा रहे हैं अब, देखते हैं वर्कशॉप जाना है, जो प्रोजेक्ट्स खड़े हैं वो देखते हैं। अच्छी है यार हाइट, ये BMW है, ये स्पेशल पिन्ने मारने के लिए तैयार हो रही है, ये इसके अंदर सरिये सरिये लगाए हुए हैं ताकि चीज़ें ना आगे पीछे हों, इसमें भी सब फ्रेम फिट हो रहा है,
और फुल काम खींचा हुआ है। ये ईके है और इसमें फास्ट इंजन डाल रहा है हैवी। ये BMW को चेपेगी। ये भाई एक LGBTQ82 तैयार हो रही है। ये मेरी नहीं है ना, हमारा सुपरविजन है इस पर। ये ऑब्सेशन मोटर वर्क्स की EVO 4 है। इधर ही इधर उधर मैं कहीं यूज़र नेम डाल दूँगा। OG 63 इंजन है, बूस्टेड इंजन है भाई जान, बूस्टेड। ये अंदर जो है ये स्पोर्ट्स वाली सीटें डली हैं, स्पोर्ट्स वाली भाई। इसमें पिने मारते हैं भाई, इसमें पिने शने मारते होते हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा स्पीडोमीटर लगे हुए हैं भाई। ये 4x4 है, ये 4x4 गड्डी है जी, 4x4। हाँ, इस पे जो है ना ये लगे, ये बैठे हुए हैं इधर देख रहे हैं कि इनकी गाड़ी का काम हो जाए। ये BM का लुल भी काम नहीं हो रहा। इसमें डलना है भाईजान ये वाला 1UZ। ये इसमें ये UZ डाला है। मसला ये आया, अभी तो इसी उतरे में, लेकिन इसके गियर का अलग इशू था, इंजन का अलग, तो मैचिंग में इशू आ रहा था, गाड़ी ठीक परफॉर्म नहीं कर रही थी, तो ये इंजन अब उसमें डालना। सादिक भाई और रजी यार, ज़रा इसका बोनट खोलना है, इसमें इंजन कौन सा है? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें।